तो दोस्तों अब हमने कर लिया है चेंज और मैं स्विमिंग करने जा रहे हैं और बहुत मजा आएगा। हम टेलिंग यू बहुत ज्यादा हम लोग एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि यहाँ मतलब कोई भी महीने में आओ यू विल फाइंड वेरी वेरी वार्म वेदर इन द गोवा। तो नॉट सो वार्म बट नॉट सो कूल, मतलब कुछ सॉल्टी सा और ठंडा, इसको हम ठंडा नहीं बोल सकते, इसको गर्म भी ओशन ओशन है तो थोड़ा ह्यूमिड काइंड ऑफ ह्यूमिड है। तो व्हेन वी वर एट द बीच साइड तो वहां पे अच्छा था, तो अजीब सा होने लगा है, थोड़ा सा गर्मी मुझे लग रही है। तो वी थॉट कि हमें अभी जाना चाहिए पूल में, तो हम जा रहे हैं। चलो जल्दी तो ऐसा ना हो। 1, 2 and 3 पागल है। आज के बाद मेरे से बात मत करना। तो जब तक अब मैं नहीं रुक रहा, आपने मेरे को अंधेरे में छोड़ा, अभी मैं नहीं रुकूंगा। तो मैं बता रही हूँ बहुत मज़ा आने वाला है कि पूल में मस्ती करना अपने आप में ही एक एडवेंचर होता है। एंड ये लड़का वहीं खड़ा है, देखो आपके पीछे एक भूत है। बाबी मम्मी मैं जल्दी जा रही हूँ, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मतलब यहाँ बहुत अंधेरा, छोटे छोटे से सी कितना प्यारा व्यू है, और ये जो पेड़ों से हमें नेचुरल फ्रेश एयर मिल रही है, मतलब इतना सारा ऑक्सीजन मिल रहा है, उसकी तो बात ही अलग है। और जो पूल साइड का माहौल है ना गाइस, मतलब ब्लू वाटर म्यूजिक, मतलब बहुत ही, और हम शूटिंग नहीं कर सकते ज़्यादा क्योंकि हमें जाना है मस्ती करने। तो विल कैच यू सून गाइस, अभी आप लोगों को मैं दिख नहीं रही, सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही क्योंकि यहाँ थोड़ा अंधेरा है। सो विल कैच यू सून, ओके बाय। तो दोस्तों थोड़ा बहुत ठंडा पानी था अभी क्योंकि लाइटिंग यहाँ बिल्कुल अच्छी नहीं, तो आपको मैं दिखूंगी रेप का, मैं कमाल दिखाती हूँ। जंप करो भाभी, जंप करो, जंप करो, जंप करो। 1, 2, 3 कैसे लग रहा है? डर लग रहा है। हाँ, एक डॉल्फिन लग रहा है। मैं स्विमिंग पूल में दोस्तों, तो मेरे को मेरे पति की जो नाक है ना, मतलब मैंने तो देख के डर गई, मुझे ये मगरमच्छ के जैसे लग रहा था। तो मैं पूल से वापस आ गई, खराब है, मैं बोल रही हूँ हालत बहुत ख़राब है। बहुत मज़ा आया नहा के पूल में, लेकिन पानी बिल्कुल भी चिल्ड नहीं था, मतलब बिल्कुल जैसे गोवा का वेदर है ना, ठंडा ना गर्म, ऐसा था। तो अच्छा लगा मुझे नहा के, और कुछ ऐसा है एक्चुअली, ये पानी में जा नहीं पाते, इनको डर लगता है। मैं गया, अपनी कहानी बता रहे हुए मैं गया, फिर मैंने दोबारा अपना कसम दिया, मैंने बोला नहीं मैं हूँ, मैं आपको बचाऊंगी, आप प्लीज पानी में आओ। तो थोड़ा बहुत डरपोक है ये लड़का, पर मैंने इसको फाइनली खींच ही दिया। किसने ऐसा बोला होगा? हाँ हाँ, सबको पता है, इसमें बताने की क्या बात है, मैंने ही बोला। अच्छा सुनो, रूम में गंदगी मत करना, मुझे बहुत गहने इससे। तो अब हम फाइनली आ गए हैं शावर लेके, अब हम लोग जाएंगे बाहर डिनर के लिए। गाइस बहुत मज़ा आया, और कल मॉर्निंग में अकॉर्डिंग टू आवर प्लान हम लोग फिर से जाने वाले हैं पूल में। मतलब जो पानी था ना यार, वो तो इतना गजब था, मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया। और देखो आप मेरे को इस मिरर से भी देख रहे हो, भाभी क्या कर रहे हो यार, अरे अब तो आप लोगों को पता चल गया ना दोस्तों कि कौन पानी से डरता है। ये लड़का स्पेक्स पहन के कूद पड़ा है, स्पेक्स पहन के, उसको बिल्कुल नहीं पता कि ये कहाँ कूदी मारा, पर ये कूद पड़ा है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।